हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गीता, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव मदर में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सबका फेवरेट गाजर का हलवा, जो सर्दियों में सबको पसंद होता है लेकिन बनाना झंझट लगता है। इस रेसिपी को हम बिना दूध, बिना मावा और बिना किसी तामझाम के झटपट बनाकर तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो गाजर ली है और इसको धो लिया है और छील लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं बिल्कुल वैसे ही रफली काट लेंगे थोड़ा सा। दूसरी तरफ कुकर में मैंने 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है। घी गरम हो गया है, इसमें हम रफली चॉप्ड ड्राई फ्रूट डालेंगे, आधा कप के करीब है, और इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। लगातार चलाते हुए ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ड्राई फ्रूट हमारे भून चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे बर्तन में। बचे हुए घी में हम अपनी गाजरें डाल देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी, और इसको घी के साथ कोट कर लेंगे, पूरा अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि ये घी के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए और हमारी गाजरें थोड़ी सी भुन जाए। उनको चलाते हुए मिक्स करेंगे। गाजरें अच्छी तरह घी के साथ कोट हो गई हैं, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। इन्हें अब ढककर हम 4 सीटियां लगाने तक पका लेंगे। आधा कप काजू को मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था, और आधा कप ये इसमें पानी डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट। ये हमारा काजू का पेस्ट तैयार हो गया है, ये देखिए, इसे हम साइड में रख लेंगे। 3 से 4 सीटियां आ गई हैं। एक बार हम कुकर का ढक्कन खोलकर अपनी गाजरों को चेक कर लेंगे, गाजर पकी है कि नहीं। वैसे तो 3 सीटियों में पक जाती है, एक बार हम चेक करेंगे। गाजर हमारी गल चुकी है, इसे किसी चम्मच या मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। इस तरीके से गाजर को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और पेस्ट तैयार करेंगे। यह आधा कप मैंने फ्रेश मलाई ली है, आधा कप मैंने मिल्क पाउडर, इन्हें हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया, इसे साइड में रखेंगे। ये काजू का पेस्ट हम अपने गाजर के हलवे में मिक्स करेंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर का पेस्ट डालेंगे। मिल्क पाउडर का पेस्ट और काजू का पेस्ट डालने से हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हम आधा कप चीनी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हलवे को कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। हलवे की कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। 5-7 मिनट हो गए हैं मुझे लगातार चलाते हुए, हलवा पक चुका है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट हलवा तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ले चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। ये देखिए हमारा हलवा कितना स्मूथ टेक्सचर का बना है। थोड़े से काजू बादाम से इसे गार्निश कर लेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।